ही गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका, और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ एंड आइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी जनवरी मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इसमें। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस एंड टेक। तो सोशल इश्यूज़ तक कंप्लीट हो गई है, और कल मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रखी थी, तो उसकी आंसर मैं आज बता देती हूँ। फिर रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो यहाँ पे हमारी साइंस एंड टेक की है, टोटल 5 आर्टिकल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आर्टिकल पे आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को और भी लेसन देखनी है, प्रीवियस लेसन मेरी देखनी है, तो बस आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैं पूछी थी। पहले आपको बताना है कि इनकम और वेल्थ के बीच में डिफरेंस क्या है, फिर आपको बताना है कि ANM, AWW एंड आशा के बीच में डिफरेंस क्या है, और फिर आपको बतानी थी कि फर्स्ट एवर जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। तो चलिए आइए अब हम लोग सबके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है इनकम और वेल्थ के बीच में डिफरेंस। तो इनकम हम लोग उसको कहते हैं जो भी मनी आप लोग अपने काम करके एम्प्लॉयमेंट से रिसीव करते हो, कहीं भी काम करते हो उसके द्वारा आपको कोई भी अर्निंग दी जाती है, तो इट मींस कि वो आपकी जो है इनकम हो गई। और कोई भी तरीके का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको भी इनकम में ही इंक्लूड किया जाता है। वेल्थ हम लोग कहते हैं कि आज तक आपने जो है एक इंडिविजुअल के पास टोटल एसेट कितना है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उसको हम लोग वेल्थ कहते हैं। ओके, अब आते हैं ANM, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलियरी नर्स मीड वाइफ। तो ये हमारे सब सेंटर पे बेस्ड होती है, और ये विलेजेस यानी कि गांव-गांव ये विजिट करती है, साथ ही साथ जितनी भी सब सेंटर है उसमें केयर भी प्रोवाइड करती है। सेकेंड है आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से विलेज में ही रहती है और वहीं पे काम करती है, साथ ही जितने भी यंग बच्चे हैं, एडोलेसेंट बच्चे हैं, या फिर जो मदर है, प्रेग्नेंट वीमेन है, लैक्टेटिंग वीमेन है, उन सबकी केयर करती है। साथ ही अगर हम लोग आशा की बात करें, एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो ये जो है हमारे एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का पार्ट है, जो कि यहाँ पे मेनली फोकस करती है कि किस तरीके से हम लोग इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करना है, यानी कि लोगों को क्या क्या मेडिसिन वगैरह और क्या इंजेक्शन वगैरह देना है, साथ ही इंस्टीट्यूशनल बेस्ड डिलीवरीज भी ये देखती है। तो इसलिए इन तीनों के बारे में आप लोगों को डिटेल पता होना चाहिए, किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अब बात आते हैं कि फर्स्ट एवर जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश किया गया है, ये हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको पब्लिश की गई है। ओके, तो ये तीनों आंसर हो गए। अब आइए अब हम लोग आर्टिकल पर चलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक के फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे ऐसा लगता है कि 2019 से ही मैं जब भी साइंस एंड टेक पढ़ा रही हूँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो इस बार देखते हैं कि नया क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको चीज़ें जानने को मिलेगी। बट जो भी न्यू स्टूडेंट है, मैं उनको समझा देती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते किसको है। एक ऐसा मशीन जो कि एकदम इंटेलिजेंट हो, यानी कि एकदम हमारे जैसा ह्यूमन बीइंग जैसा वो एक्ट करे, उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी हो कि वो सोच सके, वो समझ सके, वो किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, वो सीख सके, वो डिसीजन मेक कर सके, ऐसी मशीन को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि आर्टिफिशियली एक ऐसा बुद्धिमत्ता वाली चीज़ हम लोग ने बनाई है, जैसे हम लोग नेचुरल इंटेलिजेंस है कि नहीं। हम लोग इतना कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है और प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग एक नेचुरल इंटेलिजेंस है। बट आप लोग ये समझिए कि आप ही की तरीके से एक किसी मशीन को अगर आप लोग के जैसा बना दिया जाए, तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। ओके, तो इस बार न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बहुत सारी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने ऐसा हाईलाइट किया है कि हमारे कंट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ रिनॉन्ड पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे कि बिल गेट है, इलॉन मस्क है, सुंदर पिचाई है, ज़ेरोन लैन है, तो ये सारे लोग ने ऐसा कहा है कि हमारे कंट्री में ऐसा होना चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कर सकें। स्टीफन हॉकिंग थे जिन्होंने हाईलाइट करी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है अगर हम लोग इसको प्रोएक्टिव तरीके से नहीं रखें। और यहाँ पर जितने भी तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अनफ्लैटर्ड हो रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाली जो भी रिस्क है, अगर उसको हम लोग नहीं रोके तो ये हमारे ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। तो अब यहाँ पर बेसिक चीज़ें रखी गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं। मैं आपको एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझा चुकी हूँ, जिसके अंदर एक सोचने की ऐसी मशीन जिसके अंदर सोचने की क्षमता हो, परसीव करने की क्षमता हो, सीखने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, डिसीजन मेक करने की, और किसी की टास्क को भी एग्जीक्यूट करने की, वो भी रियल टाइम सिचुएशन में बिना किसी कॉन्स्टेंट सुपरविजन के, तो उसको हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें आपका इनकम पास है मशीन लर्निंग है, जहाँ पर मशीन जो है किसी एक्सपीरियंस के थ्रू वो लर्न कर सकती है, स्किल्स को एक्वायर कर सकती है बिना किसी ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के। तो आप इसका महत्व भी समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिग्निफिकेंस
डिफरेंस क्या है, यानी कि इनके पास एक पोटेंशियल है कि किसी भी तरीके का अगर फिजिकल लिमिटेशन है कैपिटल को लेकर या फिर लेबर को लेकर, तो वो इसको पूरा कर सकती है, एक न्यू सोर्सेज को ओपन भी कर सकती है जिसके थ्रू अच्छा खासा ग्रोथ होगा। साथ ही साथ यहाँ पर पोटेंशियल है कि हमारे यहाँ ग्रोथ अच्छी हो सकती है, यानी कि इंटेलिजेंट ऑटोमेशन करके हम लोग यहाँ पर ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स जो फिजिकल वर्ल्ड टास्क है उसकी एबिलिटी को यहाँ पर बढ़ा के इनोवेशन डिफ्यूजन करके, यानी कि इनोवेट करके वो भी हमारे इकॉनमी के थ्रू हमारे सोशल डेवलपमेंट में इंक्लूसिव ग्रोथ में भी काफ़ी अच्छा रोल है। इसके अंदर ये एक्सेस है कि ये हमारे ह्यूमन हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ा सकती है, हमारे जो भी लोकेशन बैरियर है उसको एड्रेस कर सकती है, रियल टाइम जो एडवाइस करना हो फार्मर्स को, यानी कि उनको किस तरीके का बीज लेना है, कैसे मिट्टी में उनको क्रॉप उगाना चाहिए, कब उगाना चाहिए, ये सारी चीज़ों का जो रियल टाइम उनको जो गाइडलाइन चाहिए वो उनको मिल सकता है। साथ ही हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार हो सकती है। एक स्मार्ट और एफिशिएंट अगर सिटीज़ बनाने की बात हो रही है, जैसे हमारे यहाँ स्मार्ट सिटीज़ की जो स्कीम है उसके अंदर भी अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ डेटा है जो कि कॉन्स्टेंट यहाँ पर फीडिंग हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्रूवमेंट के लिए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। एक स्टेटमेंट ऑफ कंटेंट है, इंटेंट है, जो कि यहाँ पे हमारे नीति आयोग और जो IBM है इसके बीच में साइन हुआ है कि हम लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर को यहाँ पे डेवलप करेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे डेवलप करने की बात कर रहे हैं। जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब कि अति पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट जिसके ऊपर अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत ही दूर कोसों दूर वो लोग ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें किसी भी तरीके की बेसिक फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई है, तो उसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड है कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है जो कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके थ्रू वो यहाँ पे हेल्थ केयर को और ज़्यादा स्मार्ट कर बना सके, यानी कि हमारे यहाँ अभी हेल्थ सेक्टर में और साथ ही साथ हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। अब बेसिक मुद्दा पे आते हैं, जो कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने का ज़रूरत है, तो क्यों ज़रूरत है ये समझते हैं। सबसे पहला है कि एथिकल कंसर्न, यानी कि जैसे आप लोग देख रहे हो कि न्यू टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आज के डेट में पॉपुलराइज हो रही है, तो इसलिए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि इसका क्या काम होगा, ये इससे क्या हो सकेगा, कितना हद तक ये जा सकेगी, तो इसी को रेगुलेट करना है। हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर आपका डूज एंड डोंट्स रखा जाता है, तो वाई नॉट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंटरनेट जो है यहाँ पर काफ़ी चीज़ें पॉसिबल रख सकती है कि हम किसी से भी कनेक्ट हो जाते हैं, किसी का भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है, बट ये ईजियर होता है कि हम लोग गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें, जिसको हम लोग फेक इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, समटाइम्स र्यूमर भी कहते हैं, तो ये बहुत ही आसान हो गया है। तो यहाँ पे रियल कंसर्न है हमारे पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है वो बुरी भी हो सकती है। डीप फेक से लेकर यहाँ पे जो है हम लोग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं हम लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं, इसलिए एथिकल कंसर्न के लिए हमें इसे रेगुलेट करना ज़रूरी है। सेकेंड है कि डेटा को मैनेज करने के लिए, हमारे यहाँ आपको पता है कि डेटा फ्लो की क्लैरिटी यहाँ पर हमारी कमी है, डेटा ओनरशिप की कमी है, जिससे क्या होता है कि डेटा को कॉलोनाइज किया जाता है, यानी कि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री के द्वारा यहाँ पे डेटा को जनरेट किया जाता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री को बेनिफिट नहीं हो रहा, दूसरे कंट्री इनसे बेनिफिट ले रहे हैं। तो आज के डेट में आपको पता है कि डेटा इज़ ए न्यू ऑयल, तो डेटा को एक तरीके से ऑयल जैसे बहुत ही महंगी है, और ऑयल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और इससे जो है आप लोग देखते हो कि जो ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री है वो बहुत ज़्यादा रिच है, तो इसलिए कहा जा रहा है जिसके पास आज की डेट में डेटा है, जिस कंट्री के पास, वो कंट्री भी आज के डेट में बहुत रिच है, क्योंकि डेटा के बेसिस पे ही वो लोग अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि बायसनेस, यानी कि जो एल्गोरिथम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किया जाता है, एल्गोरिथम कहने का मतलब है कि एल्गोरिथम के ही थ्रू सेट होता है, जो कि आप कभी भी कोई भी काम करवाते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो सीखते हैं, वो पढ़ते हैं, वो आपको बताते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बताते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर एल्गोरिथम में फिट की गई है, उसी के थ्रू वो बता पाते हैं। मोस्ट केसेस में क्या होता है कि ये सीक्रेट ट्रेड होती है, वो यहाँ पे बायस्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस में देखें तो ये हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं जो भी स्टेरियोटाइप होती है, तो हमारे सोसाइटी में जो आज के डेट में भी एग्जिस्ट कर रही है, और इसको हम लोग ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं डेवलपर्स के थ्रू, और फिर उसमें से डिसीजंस भी निकाल सकते हैं, तो ये बायसनेस भी हो सकती है। अकाउंटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, अगर आर्टिफिशियल सिस्टम अगर हमारी फेल हो जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अगर फेल हो जाती है अपने टास्क को करने में, तो यहाँ पर क्या होगा कि किसको यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्सिबल कहेंगे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही होता है कि अगर कोई काम किया जा रहा है, जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाती है, तो अगर कोई भी ट्रेन एक्सीडेंट हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपको तो पता है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे कभी नहीं आते हमारे इंडिया में, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना काम नहीं कर पाई, अगर कोई भी काम करने में वो फेल हो जाती है, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी किसको ठहराया जाएगा, कौन यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट है कि सुपर इंटेलिजेंस, यानी कि सफिशेंटली इंटेलिजेंट जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो यहाँ पे ऐसा रीडिज़ाइन किया जाता है अपने आप में कि वो एक बेटर सक्सेसर सिस्टम बन सके, यानी कि आप लोग को पता है कि एक के बाद एक जो सिस्टम होती है उसको अपग्रेड किया जाता है, जैसे आप लोग आज के डेट में
कोई भी ऐप अगर आप लोग यूज़ करते हो तो कुछ समय के बाद उसका एक अपग्रेड वर्ज़न आ जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग कोई भी मशीन को यहाँ पे इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं तो हर एक टाइम क्या हो रहा है कि उसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड कर रहे हैं, कुछ न्यू एल्गोरिथम ऐड कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा स्मार्ट बना रहे हैं, और ज़्यादा सक्सेसर बना रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि एक समय के बाद वो सुपर इंटेलिजेंट हो जाएगी और इससे क्या होगा ना कि इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इसीलिए ये ज़रूरत है कि हम लोग एक रेगुलेशंस रखें, यानी कि कहाँ तक इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जाना है, कितना इसका इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें कहीं अगर डिफाइंड होती है तो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन ठीक है, इतना तो कह दिए कि इतना हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इतना आसान तो नहीं है हमारे कंट्री में। हमारे कंट्री में बहुत सारी चैलेंजेस है, इशूज़ है, तो वो देख लेते हैं कि हमारे कंट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो रेगुलेट करने की बात की जा रही है तो उसके पीछे क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला है कि एक्सेसिव रेगुलेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज की भी डेट में ये प्रिलिम्स ही स्टेज में है। कुछ क्रिटिक्स है जो कि ये बिलीव करते हैं कि एक्सेसिव स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो है ना कि आज के डेट में ज़रूरी है और ना कि आज के डेट में ये एक डिज़ायर है। तो इस तरीके का ट्रेंड जो है ना, हमारी जो नीडेड रिसर्च है यानी कि इस फील्ड में जो डेवलपमेंट के लिए जो रिसर्च होना चाहिए उसको कहीं ना कहीं डिस्करेज करती है। सेकंड है कि कंसेंसस की कमी भी है। आप लोग कंट्रीज़ में देखोगे जिसमें कि मैकेनिज्म है, टैक्टिस है जो कि वो रेगुलेट करते हैं, तो हमारे यहाँ कंसेंसस की कमी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको डाउट देखने को मिलेगा कि किस तरीके से रेगुलेटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेंगे। ग्रेटर सर्टिनिटी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा वो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को। फॉर एग्जाम्पल जो रेगुलेटर्स होंगे वो यहाँ पर खुद के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी चीज़ वॉयलेट हो रही है, यानी कि कंप्लायंस डेटा का सेट अगर यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे यहाँ वाइड स्प्रेड जो एक्सपर्टीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में, उसकी भी कमी है। हमारे यहाँ एक्सपर्टीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो कैसे जो है हम लोग इस पॉलिसी डिसीजंस को लीड कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रिडिक्टेबिलिटी की भी कमी है, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। एल्गोरिथम जो है आज के डेट में सोशल फंक्शंस कर रही है जो कि प्रिडिक्ट है, लेकिन यहाँ पे गवर्न मीन्स उसको हम लोग गवर्न कर सकते हैं, वो प्रिडिक्टेबल है। जो लोकल और जो स्पेसिफिक बिहेवियर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो यहाँ पर प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। वे फॉरवर्ड में ये बताया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो यहाँ पे हमें ऐसी लोमर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिंसिपल है उसके द्वारा ही गाइड किया जा सकता है, जो कि 23 गाइडलाइंस है जिसको रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए गाइडलाइन। हम लोग को एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। रेजोल्यूशंस को यहाँ पे लाना होगा जिसके थ्रू हम लोग रोबोटिक्स को रेगुलेट कर सके, कोर्ट ऑफ एथिक्स कंडक्ट कर सके जिसमें कि रोबोटिक इंजीनियर में लाना चाहिए, साथ ही साथ रिसर्च एथिक्स हमारी जो कमेटी है उसको लाना चाहिए। तो कुछ एथिकल सेट की जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। हमें जो बायसनेस है उसको यहाँ पर मिनिमाइज़ करना, यानी कि किसी भी एक चीज़ के ऊपर जो है ना आपको किसी एक साइड एक चीज़ का साइड नहीं लेना है, तो इसको मिनिमाइज़ करना है। इनइक्वालिटी को अरेस्ट करना, यानी कि किसी भी तरीके का इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रोबोट जो है ना वो यहाँ पे बेस्ट इंटरेस्ट लेकर आए ह्यूमंस का, साथ ही ह्यूमन इंट्रैक्शन भी रोबोट के साथ होना चाहिए, साथ ही यहाँ पे इक्विटेबल बेनिफिट होना चाहिए, यानी कि अगर इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर किसी को यहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है ना इसको लीगली लेबल होनी चाहिए उनके एक्शन में, जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामर्स को यूजर्स अकाउंटेबल को हम लोग अच्छे तरीके से बना पाएँ। साथ ही यहाँ पे आपका जो है रेगुलेशंस जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, साथ ही अडेप्ट करना चाहिए जो भी आज के डेट में हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है। हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग किस तरीके से कंट्री के स्पेसिफिक डेटा को फाइंड आउट करें, वर्क फोर्स को यहाँ पे ट्रेन करें, फाइन ट्यून्ड एल्गोरिथम और टेक्नोलॉजी करें जो भी आज के डेट में लोकल नीड्स को ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बताई जा रही है। ऐसी लोमर के यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रिंसिपल भी आप लोग देख सकते हो कि इसकी प्रिंसिपल तीन चीज़ पर डिवाइडेड है। एक तो है कि रिसर्च करना है, दूसरा है कि एथिक्स एंड वैल्यूज़ है, थर्ड है कि लॉन्गर टर्म इश्यूज़ है। तो रिसर्च में यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोल को रिसर्च करना है, फंडिंग प्रोसेस को रिसर्च करना है, साइंस पॉलिसी इंक को रिसर्च करना है, कल्चर को रिसर्च करना है, साथ ही रेस अवॉइडेंस को। वहीं अगर एथिक्स और वैल्यूर की बात करें तो यहाँ पे सेफ्टी है, फेल्योर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अगर कहीं भी फेल हो जाती है तो कैसे फेल होती है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ह्यूमन वैल्यूज़ देखना है, पर्सनल प्राइवेसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एथिक्स एंड वैल्यूर में है। लॉन्गर टर्म अगर इशू देखें तो यहाँ पे कैपेबिलिटी कॉशन होना चाहिए, इंपॉर्टेंस रिस्क, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टेप्स लिया जा रहा है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना है। अगर OECD प्रिंसिपल देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर तो ये यहाँ पे 42 कंट्रीज़ के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, जिसमें OECD मेंबर और नॉन मेंबर भी है। यूनाइटेड स्टेट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्ट्रैटेजी देखें तो यहाँ पे आपका जो है कुछ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लिया गया है, जो कि यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे वो खुद ही रेगुलेट करेंगे और रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे। गूगल की तरफ से जो है वो अपने खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिंसिपल को वो यहाँ पे पब्लिश किए, जिसके थ्रू एथिकल डेवलपमेंट के लिए वो गाइड कर सके और इस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे बता सके। जनवरी 2020 में US ने भी एक ब्रॉडर सेट को इशूड करी है, वो भी कुछ प्रिंसिपल है कि किस तरीके से यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रीट करना है।
यूरोपियन यूनियन की बात कर लें तो कम्युनिकेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट है जो कि कुछ और इश्यूज में भी है, वो यहाँ पे आउटलाइन कर रही है कि एथिकल और लीगल फ्रेमवर्क को जगहों पर हम लोग कैसे इसको देख सकें। चाइना की बात करें तो उन्होंने भी न्यू जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान लेकर लॉन्च करी है जिसमें कि कुछ सबमिशन है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स के द्वारा जो कुछ सबमिशंस रखा गया है कि किस तरीके से वो अपने कंट्री में गवर्नेंस प्रिंसिपल को डेवलप करेंगे। यूके की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ सेंटर फॉर डेटा एथिक्स और इनोवेशन को डेवलप किया गया है और ऑफिस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया गया है। स्टेटस अब इंडिया में देखते हैं इस चीज़ को लेकर, तो हमारे यहाँ पर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नीति आयोग ने आइडेंटिफाइड करी है 5 एरिया जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही यूज़फुल तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे लैक ऑफ रेगुलेशन है जो कि देखने को मिल रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि यहाँ पे नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर्स के द्वारा है, एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो कि न्यू सॉल्यूशंस लेकर आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में। एक गेटवे है जो कि यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा सॉल्यूशन, वो भी इस तरीके से प्रोजेक्ट में। तो ये 2 चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो बाकायदा आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी, काफ़ी कुछ आप लोग को पता चला। अब नेक्स्ट एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में न्यू काफ़ी कुछ समझेंगे, पहले आप लोग समझिए कि न्यूज़ में क्यों थी। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उन्होंने यहाँ पे सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे सेटअप किए, वो भी बेंगलुरु में। ये डायरेक्टली आपका वन लाइनर क्वेश्चन में यहाँ पे बन सकता है कि इस चीज़ को कहाँ पे सेटअप किया गया, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी में इसको जो है यहाँ पे सेटअप किया गया है। कुछ और देख लेते हैं, इसका एम है कि यहाँ पे ब्लॉकचेन को एज अ सर्विस प्रोवाइड करना है, साथ ही यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स को अलाउ करना है कि वो यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं शेयर्ड लर्निंग से, एक्सपीरियंस से और रिसोर्सेज से। यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी फैसिलिटेट करना है कि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे बिल्ड करें कि किस तरीके से वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट डायमेंशन में, यानी कि गवर्नेंस के डिफरेंट डायमेंशन में। न्यू और जो प्रीवियसली अनफॉर्सिन एप्लीकेशन थी आपकी ब्लॉकचेन की गवर्नमेंट में, वो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा बढ़ाएगी, ट्रेसेबिलिटी को यानी कि सही तरीके से ट्रेस कर पाएंगे और ई गवर्नेंस सिस्टम में हम लोग ट्रस्ट कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ पाएगी। अब समझते हैं कि एक्चुअली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है। ब्लॉकचेन एक तरीके का स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांजेक्ट करने में, यानी कि किसी भी नोड्स और पार्टिसिपेट को एक्सेस करने में। जो ओनरशिप राइट्स है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है क्रिप्टोग्राफिकली, जो कि स्टोर की गई है और लिंक की गई है कुछ ब्लॉक जिसमें कि आपका ओनरशिप का एसेट का जो ओनरशिप है उनके रिकॉर्ड को इंक्लूड किया गया है और साथ ही साथ इसको यहाँ पे रखा भी गया है। तो इसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ये आप हो ये बी कोई दूसरे पर्सन है, आप इनके साथ कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि आप पहले इनको रिक्वेस्ट करोगे, ओके एक रिक्वेस्ट सेंड किए तो ये एक आपके लिए एक नोड हो गया, यानी कि यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक रिक्वेस्ट किए, उसके बाद इन्होंने जब आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया तो फिर आप इनको जो है कुछ मनी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो जो भी मनी आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हो वो क्या होगा ना कि पूरी तरीके से आपका क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब है कि ये आपका वर्चुअल करेंसी हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिकली, यानी कि क्रिप्टो मीन्स होता है सीक्रेट, ओके तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करोगे जो कि दूसरे लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा और कोई भी यहाँ पे आपका जो हैक करना चाहे तो उनको भी यहाँ पे जानकारी नहीं होगा। साथ ही आप क्या करोगे कि इनको यहाँ पे ट्रांजैक्शन करोगे और ट्रांजैक्शन करके क्या करोगे कि वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट तरीके से होता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, साथ ही यहाँ पे आपका जो है ना बहुत ही ट्रस्ट वर्दी ये आपका ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि पहले जो ट्रांजैक्शन किए होंगे तो उसका आपका एक रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन हो गया, यानी कि डेटा आपका हो गया, उसके बाद दूसरी बार ट्रांजैक्शन करो तो फिर आपका डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया और ये परमानेंट डेटा जो है आपका स्टोर हो जाता है और एक न्यू ब्लॉक बनते जाता है, यानी कि जो डेटा आपका स्टोर हो रहा है ना इस तरीके से किसी के भी साथ अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो एक न्यू ब्लॉक बनाकर यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये ब्लॉक चेन हो रहा है, यानी कि एक ही ब्लॉक में आपका जो है यहाँ पे आपका चेन बनते हुए और ब्लॉक ऐसा नहीं, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो कि इस तरीके से आपका चेन बनते हुए ये आपका ब्लॉक में जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपका गैदर होते जा रहा है, यानी कि आपकी डेटा जो है यहाँ पे सेफली सिक्योर तरीके से बिल्कुल सीक्रेट तरीके से यहाँ पे आपका डेटा जो है सिक्योर तरीके से आपका इनपुट होते जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन जो है ये काफ़ी ओपन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे आपका लेज़र होता है जो कि क्रोनोलिकली रिकॉर्ड करते हैं जितने भी ट्रांजेक्शन है ना उसको रियल टाइम, यानी कि रियल टाइम में जिस तरीके जिस समय आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करें उसी समय आपका ये चेन बन जाता है और वहाँ पे ब्लॉक में आपका एक न्यू
ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड जो है वो आपका वहाँ पे आपका जो है सेट हो जाता है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ना, जनरली यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, परसिस्टेंसी होनी चाहिए, एनोनिमिटी होनी चाहिए और ऑडिटेबिलिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि डिसेंट्रलाइज हो, कहीं भी एक जगह पर यह आपका जो है यहाँ इसी पर आपका काम नहीं हो, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ये ओपन भी है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा, ये होती है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑडिटेबिलिटी भी हो, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑडिट भी किया जा सके। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि इस ट्रेड के साथ क्या है कि ब्लॉकचेन जो है ग्रेटली यहाँ पे आपके कॉस्ट को भी सेव करती है और जो इफिशेंसी है, क्योंकि रियल टाइम में आपका यहाँ पे डेटा सेव हो रहा है तो इफिशेंसी भी बहुत अच्छा से इंप्रूव होता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ब्लॉकचेन का यहाँ पे एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ हम लोग इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारी बैंकिंग में, क्योंकि बैंकिंग ऑपरेशन आपका पता है कि ह्यूज ट्रांजेक्शन होती है, तो इस बैंकिंग ऑपरेशन को और ज़्यादा ईज बनाने के लिए और KYC प्रोसीजर को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके हम लोग इस टेक्नोलॉजी को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। SBI जो है फर्स्ट बैंक है जो कि यहाँ पर KYC को यूज़ कर रही है और रेमिटांस फैसिलिटेट कर रही है, वो भी ब्लॉकचेन के बेसिस पे। यहाँ पे जो रेमिटांस से कहने का मतलब है कि इंडियन ओरिजिन पीपल अगर बाहर जाकर, जैसे US में, कनाडा में, वेस्ट एशिया में जाकर अगर वो लोग वहाँ पे जॉब करते हैं और वहाँ से कुछ पैसे अर्न करके अगर इंडिया वापस भेजते हैं तो उसको हम लोग रेमिटांस कहते हैं। तो SBI ऐसी पहली बैंक है जो कि यहाँ पर इस पर वर्क कर रही है और जो रेमिटांस आता है वो यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसा जो है वो यहाँ पर उसकी डेटा सेव होती है। दूसरी अगर बैंक की बात करें तो यस बैंक है जो कि इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करी है और फुली डिजिटाइज करी है। जो भी फाइनेंस किया जा रहा है वो अपने अगर क्लाइंट को फाइनेंस करते हैं तो वो भी जो है फुली डिजिटाइज है। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर रेमिटांस जो है वो भी यहाँ पे फास्टर हो चुका है और लेस कॉस्टली है, इसमें ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। फर्स्ट जगह तो ये आपका बैंकिंग हो गया। सेकंड जगह अगर बात करें तो कैपिटल मार्केट है, जिसमें कि ट्रेड सेटलमेंट कहने के लिए, यानी कि ट्रेड वगैरह व्यापार वगैरह होता है तो उसमें भी आपको पता है कि यहाँ पे भी ह्यूज ट्रांजेक्शन होता है, फास्टर ट्रांसफ़र किया जा रहा है आपका सिक्योरिटीज़ का, पेमेंट का, जिसके थ्रू जो ट्रेडिंग का कॉस्ट है वो यहाँ पर घट रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इंटरमीडिएटीज़ है, यानी कि ट्रेड मान लीजिए ए और बी में हो रहा है तो पहले क्या होगा कि यहाँ पे सी है, इंटरमीडियरीज है, यानी कि ए सी को देंगे फिर सी यहाँ पे बी को देंगे, तो इससे आपका टाइम भी जाता था, कॉस्ट भी लगता था, साथ ही यहाँ पे आपका करप्शन वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता था। तो आज के डेट में ये नहीं हो रहा है, डायरेक्ट क्या हो रहा है कि ए जो है डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड कर पा रहे बी से और ये आपका ट्रेड सेटलमेंट हो रहा है, साथ ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा ईज हो गया है। उसके बाद कमर्शियल पेपर है ईज और ट्रेडिंग है, स्मार्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इशुएंस है, एलोकेशन है हमारे कमर्शियल पेपर का जिसके थ्रू जो है इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, सेटलमेंट हो पाता है डिलीवरी और पेमेंट का। थर्ड है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंसिटिव डेटा है जिसको कि यहाँ पे ब्लॉकचेन में हम लोग मूव कर पाएंगे और अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज भी कर पाएंगे और हैकर्स अगर यहाँ पे चाहे भी तो हैक करना तो उससे भी हम लोग इसको बचा पाएंगे। साथ ही साथ हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल में भी इसका इस्तेमाल होता है, इसमें बहुत सारे सेंसिटिव क्लिनिक डेटा है जिसमें जो कि डिमांड करते हैं कि उसको सिक्योर तरीके से रखा जाए और रिलायबल सिस्टम में रखा जाए। जैसे कि आप लोग देखते हो कि Car4U जो हेल्थ केयर सॉल्यूशन है वो यहाँ पे हॉस्पिटल के साथ पार्टनर करी है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, पेशेंट के साथ, कि वो इसको इंप्लीमेंट कर सके और उनकी ब्लॉकचेन अनेबल जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है हेल्थ प्रो, उसको यहाँ पे आपका जो है कनेक्ट किया गया हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी, होस्ट, आपकी मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट के साथ, तो ये भी यहाँ पर सिक्योरिटी ही चाह रही है। नेक्स्ट हम लोग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फूड सप्लाई चेन है ये आपको पता है कि बहुत ही बड़ा चेन है, तो इसको भी हम लोग जो है यहाँ पे आपका एसिमेट्रिक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट किया जाता है वो सही तरीके से नहीं रखा जाता है, तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें कि यहाँ पे आपके जो फूड सप्लाई चेन है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ फार्मर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर है यानी कि जो फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोसेसर है जो कि सही तरीके से सारी चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, रिटेलर होते हैं, यहाँ पे आपके रेगुलेटर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, तो इतने सारे लोग जो है इस फूड सप्लाई चेन में इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन सारे लोगों को एक अच्छे तरीके से इनकी जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको सही तरीके से इनपुट रखना और साथ ही साथ जो है इसको मैनेज करने के लिए भी यहाँ पे हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्पैम कॉल आता है आपको, फिनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, तो इसको हटाने के लिए ये अनरजिस्टर्ड टेलीकॉम मार्केटर्स में के द्वारा यहाँ पे होता है ओपन, हम लोग जो है न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम को ओपन कर सकते हैं टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए। जैसे कि टेक महिंद्रा है तो वो अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ यहाँ पे पार्टनर करी है और उनके जो ब्लॉकचेन सॉल्यूशन है वो यहाँ पे कस्टमर प्रेफरेंस रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अनेबल करी है, एक्विजिशन को कंसेंट करने के लिए, डायनेमिक प्रेफरेंस देखने के लिए और साथ ही साथ एक स्टेक होल्डर ऑनबोर्डिंग के लिए भी। गवर्नेंस में हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल आइडेंटिटीज़ कर सकते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट जो सिटीजन्स की है, बर्थ टू डेथ, यानी कि अगर आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट अगर यहाँ पे रहता है तो उसको भी हम लोग डिजिटली मेंटेन कर पाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट जो ओनरशिप है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है और एडुकेशनल सर्टिफिकेट है, वेलफेयर प्रोग्राम को मॉनिटर करना, प्रोक्योरमेंट यानी कि सारी की प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने के लिए जो ट्रैक करना,
सर्विस करना, वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पेटेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, कॉपीराइट हो गई, ट्रेडमार्क हो गया या फिर कॉन्फिडेंशियल एक्सेस हो गई, हेल्थ रिकॉर्ड को ट्रैक करना सारे सिटीजन का, साइबर सिक्योरिटी देना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो ये सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड गवर्नेंस यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं आंध्र प्रदेश का, जहाँ पे दो प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट। यानी कि पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक जगह पे इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपकी जो है आइडिया ये इंप्लीमेंट हो पा रही है कि नहीं, सक्सेस हो पा रही है कि नहीं, तो उसको हम लोग पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। तो दो प्रोजेक्ट यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अभी लेकर आया गया है, जिसके थ्रू लैंड रिकॉर्ड को मैनेज करना और साथ ही साथ यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए। वहीं अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो उन्होंने भी ब्लॉकचेन बेस्ड इशुएंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की है कि न्यू बॉर्न बेबी को यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू किया जाएगा उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। नीति आयोग भी एक प्लेटफॉर्म बनाई है जिसका नाम है इंडिया चेन, तो ये एक शेयर्ड इंडिया स्पेसिफिक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे ट्राइनिटी यानी कि तीन आपका जो है जनधन योजना, आधार और मोबाइल को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, यानी कि इनएफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगा कि क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम में काफ़ी इनएफिशिएंसी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी देखने को मिलता है, 10,000 करोड़ तक का लॉस देखने को मिलता है एक साल में। तो अगर हम लोग ब्लॉकचेन को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे तो जो भी क्लेम मैनेजमेंट है वो अल्टीमेट सॉल्यूशन से यहाँ पर निकल कर आएगा अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो कॉग्निजेंट है उन्होंने यहाँ पर पार्टनर करी है इंश्योरेंस प्रोवाइडर से, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल जो लाइफ इंश्योरेंस है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC है, कोटैक लाइफ है, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे डेटा शेयरिंग जो सॉल्यूशंस है उसको और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए यहाँ पे हम लोग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है। फिर ब्लॉकचेन पावर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हर एक जो जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग अच्छे तरीके से जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ट्रेसेबल होना चाहिए, इरिवर्सिबल मैनर में होना चाहिए, जो कि हमारे काम करने के लिए यानी कि बिजनेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो और क्रेडिबिलिटी को यहाँ पे ऑगमेंट कर सके, एक्यूरेसी होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए। रियल इस्टेट की बात करें यानी कि प्रॉपर्टी डील है जो कि आज के भी डेट में पेपर में होता है, तो रियल इस्टेट में क्या होता है कि इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टी होती है तो वो सारे प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं वो भी अभी पेन पेपर में ही काम कर रहे हैं, तो ये भी अगर उनके पास भी डेटा बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, अगर वो भी इस तरीके के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें तो डेटा को बहुत इफिशियंट तरीके से वो लोग मैनेज कर पाएंगे। ओके, तो ये सारी तो एरिया है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मुझे लगता है कोई भी ऐसा एक फील्ड छूटा नहीं है जिसमें कि हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ये एक पैन इंडिया टेक्नोलॉजी है। ओके, पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड भी कह सकते हैं, यानी कि हर एक फील्ड में ये इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अब हमारे कंट्री में तो आपको पता है कि परेशानी की कमी नहीं है, चैलेंजेस है कि हम लोग कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि हाँ हमारे यहाँ जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने का प्रॉब्लम है। एक जो प्रोसेसिंग स्पीड है ना वो अभी भी बहुत कम है, जो कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शन नेटवर्क होता है, जैसे कि वीज़ा जो है वो यहाँ पर 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड में इससे भी ज़्यादा होती है। तो इन कॉन्ट्रास्ट आप देखोगे तो बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन है वो यहाँ पे प्रोसेस होती है 3 to 7 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। तो अगर हम लोग इथेरियम की बात करें तो वो यहाँ पे हैंडल करती है 20 ट्रांजेक्शन इन अ सेकंड। तो ये सारी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ स्केलेबिलिटी नहीं है, उतना ज़्यादा स्पीड नहीं है जो कि हम लोग इस तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लॉकचेन आज के डेट में मार्केट वर्क में यहाँ पे आपका प्रेजेंट है सिलॉस में, तो इससे क्या है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है, अप्रोचेस है, तो ब्लॉकचेन स्पेस जो है ना इस तरीके की कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, इसमें कोई भी क्लियर अप्रोच नहीं है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ जो कि डिफरेंट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। फिर हमारे यहाँ डेटा पोर्टेबिलिटी है, आपको पता है कि जो भी रिकॉर्ड हम लोग सिस्टम में रखते हैं तो एक बार डेटा अगर एक सिस्टम में लॉस्ट हो गया यानी कि ट्रांसफ़र करना दूसरे सिस्टम में, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है हमारे कंट्री के लिए। रेगुलेशन की बात किया जाए तो कुछ टेक्नोलॉजी है जैसे कि परमिशन लेस जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन बाईपास रेगुलेशन है जो कि कम्प्लीटली यहाँ पर इनएफिशिएंसी को टैकल करती है। दूसरी अगर हम लोग ब्लॉकचेन की चैलेंजेस को देखें तो ये हमारे ओवरसाइट को रिड्यूस करती है। इंडिया आज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीछे है और इस तरीके से क्लियरली डिफाइंड रेगुलेशंस को आज के भी डेट में इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं किया गया। हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस है, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर जितने भी इंजीनियर्स होंगे कंप्यूटर साइंस वाले उनको पता होगा या फिर जो एग्ज़ाम की पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हैं वही समझ पाएंगे, और जो अवेयर्ड पर्सन है अगर पेपर वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ही उनको पता होगा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है। अदरवाइज़ आप लोग किसी से भी पूछ लीजिए, अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए जो कि दूसरे सेक्टर में अगर वर्क करें तो उनको नहीं पता होगा कि एक्चुअली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है होता क्या है। तो यही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, हाई कॉस्ट है, लिमिटेड अवेबिलिटी है हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कफोर्स की,
51% अटैक है, यानी कि मैलिशियस जो यूज़र्स है और एक ग्रुप ऑफ यूज़र्स है जो कि इस तरीके से कंट्रोल लेते हैं, तो हमारे यहाँ जो नेटवर्क माइनिंग पावर है वो 50% तक है और अटैक आप देखोगे तो यहाँ पे 51% तक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है हमारे यहाँ। अब गवर्नमेंट इसके स्टेप्स क्या क्या ले रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग मीटी कहते हैं, वो यहाँ पे मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट को काफ़ी सपोर्ट करती है, जिसका टाइटल है डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये है सीडैक के साथ, IDRBT के साथ और VJTI के साथ, जो कि एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। इस इनिशिएटिव का ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे एक इकोसिस्टम इस तरीके से लेकर आना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, एकेडमिक हो, जो कि अच्छे तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा फॉस्टर करें। डिज़ाइन करना है, डेवलपमेंट करना है, पायलट डिप्लॉयमेंट करना है, ब्लॉकचेन बेस्ड जो एप्लीकेशन है उसको प्रोटोटाइपिंग करनी है, गवर्नेंस के फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। साथ ही रिसर्च यहाँ पे कंडक्ट करना है कि जितने भी तरीके के इश्यूज़ है उसको एड्रेस किया जाए, जितने भी तरीके के चैलेंजेस उसको देखा जाए। साथ ही ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क यहाँ पे लेकर आना है और साथ ही जो ओपन सोर्स इंप्लीमेंटेशन है उसको यूज़ करके और कैपेसिटी बिल्डिंग करना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और जो इंटरप्रेन्योरशिप है वो यहाँ पे नास्कॉम के साथ पार्टनरशिप करी है और फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म को वो लॉन्च भी करी है। यहाँ पे फोकस किया गया है 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, जिसमें कि ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो भी यहाँ पे लॉन्च किए हैं नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। यहाँ पे एक रोड मैप है कि किस तरीके से हम लोग ब्लॉकचेन को डेवलप करेंगे, आर्टिफिशियल को डेवलप करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक और रोबोटिक्स। ये सारी आज की डेट में इतनी बड़ी बड़ी वर्ड है जो कि काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ है, अगर इसको बड़े बड़े जितने भी डेवलप्ड सिटीज़ है वो तो यहाँ पे आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम लोग भी इस्तेमाल करें तो काफ़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस तो ऐसे ही निकल आएगा। अब यहाँ पे कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि ऑल्दो जो ब्लॉकचेन है वो अभी भी इन्फेंसी है, तो इंडिया को यहाँ पे जो है सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो इसको अडॉप्ट करे और हमारे इंडिया में इंक्लूड करें। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा सारे स्फीयर ऑफ बिजनेस में, जो कि सडनली हमारे यहाँ गेम चेंजर के जैसा इसको प्रूव किया जाएगा कि हमारे यहाँ जो भी चीज़ें प्रॉब्लम है उसको भी यहाँ पर गेम चेंजर किया जा सकता है। ओके, तो ये तो पूरी बात रही। तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे भी देख लेते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एकदम बर्निंग सा है। आप लोगों के भी दिमाग में हमेशा कोरोना वायरस रहता होगा, तो इसके बारे में डिटेल देख ही लेते हैं, इसको छोड़ना आज के डेट में खतरे से खाली नहीं है। तो चलिए, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली कोरोना वायरस जो है इसको ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया है और WHO ने बाकायदा यहाँ पर एक नाम भी दिया है जो कि है COVID-19, इसका ऑफिशियल नेम है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू WHO देखे तो करंट आउटब्रेक जो नोवल आपका कोरोना वायरस का है वो फर्स्ट रिपोर्ट किया गया है वुहान सिटी से, जो कि चाइना में है, और ये 31 दिसंबर 2019 से ही है। अगर हम लोग January 30, 2020 से देखें तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन एमरजेंसी कमेटी, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी है इंटरनेशनल कंसर्न के लिए। यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी को डिक्लेयर करते हुए ये आपका जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO को ये दिया गया कि पावर है कि वो यहाँ पर रिकमेंड कर सके कि किसको यहाँ पर कैसे जो है इस डिजीज़ को स्प्रेड करने से हम लोग यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल एडवाइजरीज है, रिस्ट्रिक्शन है, कुछ आपको पब्लिक हेल्थ मेजर्स यहाँ पर दिया जा रहा है जो भी अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं। तो अनाउंसमेंट जो किया जा रहा है वो यहाँ पे है कि इम्पोज करना, यानी कि मोर डिजीज़ रिपोर्टिंग जो भी ज़रूरत है उसको यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे अनाउंस करना। आज के डेट में आप देखोगे तो 6 डिक्लेयर्ड ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी जो है पास डिकेड में किया गया है। ओवर 5 जो है वो H1 वायरस है, जो कि इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक के द्वारा है। वेस्ट अफ्रीका की इबोला आउटब्रेक है, पोलियो है 2014 की, जायका वायरस है 2016 की, ऑनगोइंग इबोला आउटब्रेक है जो कि आपका कोंगो में भी देखने को मिलेगा। तो ये 6 ऐसे डिक्लेयर्ड ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी है जो कि आप लोग को भी पता होगा। अब यहाँ पे नोवल कोरोना वायरस के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। कोरोना वायरस जो है एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है जो कि इलनेस यहाँ पे लेकर आती है, आपको बुखार होगा और ये कॉमन कोल्ड से होगा। ओके, कॉमन कोल्ड होता है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिजीज़ हो सकता है, जैसे कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है और सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। कहने का मतलब है कि ऐसा आपका एक वायरस है जो कि आपको इनिशियल फेज़ में क्या होगा कि बीमारी होगी, आपको सिर्फ कॉमन कोल्ड एंड कफ जो होता है ना, सर्दी खांसी बुखार उस टाइप का होगा, लेकिन धीरे धीरे वो आपका जो है ना बहुत ही एक्यूट और बहुत ही सेवियर वाला आपका कंडीशन ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि आपका जो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा वो सांस लेने से ही होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से ही हो सकता है। ओके, एक नोवल कोरोना वायरस जो है एक न्यू स्ट्रेन है जो कि अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया है
ह्यूमन बींग में जो जीनोम स्ट्रक्चर है वायरस का वो यहाँ पे चाइना में ही स्प्रेड हुआ है और 70% ये बताया जा रहा है कि सिमिलर है जो कि पहले भी ऐसा आपका बीमारी हो चुका था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो कहा जा रहा है कि बिल्कुल वैसे ही है 70%। ये जो वायरस है इसमें कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है जो कि यहाँ पे आपके कुछ प्रोटीन स्पाइक्स के साथ यहाँ पे आपका सराउंड किया गया है जो कि कुछ क्रॉन जैसा अपियरेंस भी देती है। तो कोरोना वायरस जो है जूनॉटिक है, जूनॉटिक कहने का मतलब है कि आपके एक स्पेसी से दूसरे स्पेसी से फैल सकती है, एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ये आपका ट्रांसफ़र हो सकता है और ये पीपल से एनिमल में भी ये आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। सिम्टम क्या क्या है, कॉमन साइन अगर हम लोग देखें इस इन्फेक्शन का तो आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम है यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, फीवर आएगा, कफ आएगा, ब्रीथ में शॉर्टनेस हो सकती है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज है। मोर सीवियर केसेस में क्या होगा कि इन्फेक्शन जो है इससे आपको निमोनिया हो जाएगा, सीवियर एक्यूट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हो सकती है, आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, इवन आपका डेथ भी हो सकता है। तो ये सारी आपके सिम्टम्स है इनिशियल सिस्टम्स और साथ ही साथ यहाँ पे आपका सीवियर केसेस में भी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरीके से ये ट्रांसमिट हो रही है ये देख लीजिए। जो वायरस ट्रांसमिट हो रही है ना वो सिक्रेटेड फ्लूइड से हो रही है यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड है उसी से हो रही है। कोरोना वायरस जो है वो आपका कफिंग स्नीजिंग यानी कि छींकते हो या खांसते हो इससे जो आपका फ्लूइड निकलता है उसमें ये वायरस हो सकती है। और किसी के भी हाथ को टच करना, शेक करना और किसी के साथ कॉन्टैक्ट में आना, तो ये सारी चीज़ों से आपका वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि US और चाइना में कहा जा रहा है कि अब नो मोर हैंडशेक वहाँ पर नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग भी इस चीज़ को प्लीज़ इंप्लीमेंट कीजिए क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। और इस तरीके से जो बीमारी ये आपका वायरस जो फैल रहा है इसमें आपको प्रिवेंशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे तरफ से तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग जो मास्क है वो लगा के ही आप लोग घर पर भी रहिए, बाहर पर भी निकलिए, बाहर निकल रहे तो एकदम कंपलसरी आप लोग मास्क ले लीजिए। प्लीज़ आप लोग देखिए अभी आप लोग की एज ही क्या हुई है और ऐसी ऐसी अगर बीमारी हो जाए, ऐसा ऐसा वायरस अटैक हो जाए तो फिर तो आप लोगों की ज़िंदगी जो है ना बहुत मुश्किल में हो जाएगी। तो प्रिवेंशन कर लीजिए, एक सैनिटाइज़र ले लीजिए जो कि अपने हाथ को हमेशा जो है सैनिटाइज़ करते रहिए, क्लीन करते रहिए। बाहर कुछ भी आप लोग गंदे चीज़ें छूते हो या फिर घर में भी कुछ भी आप लोग डस्ट वाली चीज़ें छूते हो तो उसके बाद आप लोग अपने मेक श्योर कि अपने हाथ को प्रॉपर तरीके से आप लोग को धुल लेना है, डिटॉल हैंड वॉश करना है या फिर सैनिटाइज़ करते रहिए, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने हाथों को ना अपने फेस को टच करने से आप लोग रोकिए यानी कि आइज़ को टच मत कीजिए, नोज़ को टच मत कीजिए, ईयर माउथ को टच मत कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपके हाथ में भी वो वायरस होगी तो उससे आपके बॉडी के अंदर वो इंटर हो सकती है। तो ये सारी कुछ प्रिकॉशन है जो कि आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ डायग्नोस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन है ना इसको यहाँ पे PCR टेस्ट के द्वारा यानी कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के द्वारा इसको डायग्नोज किया जा रहा है। ये जो टेस्ट है यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर पाती है कि ये वायरस आपके फिंगरप्रिंट में है कि नहीं है। ट्रीटमेंट का बात करें तो आज के डेट में कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं इस न्यू वायरस के लिए, कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रिवेंशन लीजिए क्योंकि कोई भी वैक्सीन नहीं है और इस तरीके का अगर यहाँ पे वायरस आपके यहाँ हो रहा है आपको अगर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इस कोरोना वायरस आउटब्रेक से इम्पैक्ट क्या हुआ है ये देख लीजिए, हर एक तरीके से इम्पैक्ट हुआ है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो जो कोरोना वायरस आउटब्रेक है इससे क्या हुआ है ना कि बहुत सारे मल्टीपल एयर रेल रोड रूट्स जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है वो भी कट हो गया है, टेम्प्ररी क्लोज हुआ है यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे क्लोज़ हो गई है, सप्लाई चेन भी स्ट्रेस में है। यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रेस हो गई है, ग्रेटर थ्रेट है मार्केट को, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर्स जो है वो भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, एविएशन इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट हुई है। बहुत सारी कंट्रीज़ है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, US, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव, जापान है जिन्होंने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कर दी है चाइनीज़ टूरिस्ट का और विजिटर्स का। तो इससे क्या हुआ है कि यहाँ पे आपके टूरिस्ट में भी आपका कमी आया है, एविएशन सेक्टर में भी कमी आया है, सप्लाई चेन में भी प्रॉब्लम हो रही है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो हर तरीके से है ही। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते कि कोरोना वायरस और इंडिया के बारे में तो इंडिया की जो फर्स्ट नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन है वो कंफर्म किया गया है केरल में और केरल को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है कोरोना वायरस एज ए स्टेट कैलेमिटी यानी कि बाद में इसको विथड्रॉ भी कर लिया गया था। तो एक हाई लेवल का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है जिसको कि यहाँ पे बनाया गया है वो भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन से कि यहाँ पे नोवल कोरोना वायरस को मैनेज करने के लिए वो रिव्यू करें। इंडिया भी यहाँ पे इवैक्यूएट की है अपने सिटीजन्स को जो कि कोरोना वायरस से है और जो कैपिटल वुहान सिटी से थे उनको भी वहाँ से हटाया गया। ट्रैवल एडवाइजरी ने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इशू करी है पब्लिक के लिए जो भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं चाइना में और किसी को भी जो कि यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री उनका चाइना से रहा है। तो अब देखते हैं कि कैसे जो केरल है उन्होंने यहाँ पे टैकल किया कोरोना वायरस से। तो इस तरीके के चैलेंज को टैकल करने के लिए
जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस शेयर की है कि वहाँ पे आपको निपा वायरस भी देखने को मिला था जो फ्रूट बैट से फैल रही थी, तो निपा वायरस से भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जूझा था, तो इसलिए इस तरीके के वायरस से भी वो यहाँ पे टैकल कर पाए। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट लेवल कंट्रोल रूम वहाँ पर सेटअप हो गया था, रैपिड यानी कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स टीम वहाँ पर आ गई थी जो कि डायरेक्टली लिंक की गई थी 14 डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से। आइसोलेशन यूनिट यानी कि एक अलग तरीके का आपका रूम दिया जाता है जिसको प्रिपेयर किया गया था सारे 6 मेडिकल कॉलेजेस में और 14 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। केरल हेल्थ ऑफिशियल जो है उन्होंने डिप्लॉय करी थी एयरपोर्ट में कि वो यहाँ पे स्क्रीन पैसेंजर्स देखेंगे और जितने भी पैसेंजर्स आ रहे थे उनको टेस्ट किया जा रहा था और देखा जा रहा था कि उनके बॉडी में इस तरीके की वायरस है कि नहीं। गवर्नमेंट भी यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया को इशू करी थी कि अवेयरनेस वो फैलाए, यानी कि लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना वो ये होती है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है। अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग में से भी मुझे लगता है कि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि कोरोना वायरस से कैसे आप लोग बच सकते हो। तो ये सारी कुछ मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है कि मास्क वेयर करना है, सैनिटाइज़र लेना है, ये दोनों चीज़ आपको लेना ही होगा। कहीं भी आप लोग कैसे भी रह रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना ही होगा। प्लीज़ अपने हेल्थ के साथ आप लोग खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि अब तो UPSC प्रीलिम्स भी आने वाले हैं 3 महीने में। अगर इस समय आप बीमार पड़ते हो ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। ओके, तो आप अपना तो ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स का ज़रूर ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का भी, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है सबको इस तरीके से बताइए कि किस तरीके से प्रिवेंट करना है। ओके, तो ये सारी बातें रही इसमें। तो गाइज आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। दो आर्टिकल और है जो कि बहुत अच्छी है, एक तो रेयर डिजीज़ है और दूसरा है ड्रोन रेगुलेशन। तो बहुत ही लेंदी आर्टिकल्स है और बहुत ही अच्छी है, काफ़ी कुछ मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। तो अभी क्या है कि अभी हमारी टाइम एक्सीड हो चुकी है, तो आप लोग आराम से सारे टॉपिक्स को समझ समझ के पढ़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल मैं वो दोनों आर्टिकल को भी कंप्लीट करा दूंगी। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।